मैं सर्व कर रही हूँ। देखिए कितना यमी बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी, चिकन बिरयानी। इसके लिए मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है और 750 ग्राम चावल, ये वाला मैंने चावल लिया है बासमती चावल। सबसे पहले मैं पानी बैठाऊंगी गैस पर, मैं पहले से ही पानी बैठा चुकी हूँ। पानी उबलने के बाद दोस्त इसमें पानी डालना है। मेरा पानी पहले से बैठा हुआ है इसीलिए पानी मेरा उबल चुका है। इसमें मैं गरम मसाले डालूंगी, तेजपात और गरम मसाले डालूंगी। इसको ढक दूंगी 5 मिनट तक, थोड़ा उबल जाए उसके बाद मैं चावल डालूंगी। देखिए दोस्तों, पानी को पहले 2-3 पानी चावल को अच्छी तरह से धो लेना है, उसके बाद डालना है इस पानी में। मेरा पानी अच्छी तरह से उबल चुका है, इसमें गरम मसाले डाले हुए थे, इसमें चावल को डालूंगी। चावल डाल चुके हैं दोस्तों, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, चावल को चला लूंगी। अब इसे पकने तक ढक दूंगी, इसे थोड़ा हल्का ही पकाऊंगी, पूरा नहीं पकाऊंगी चावल को। एक चम्मच के अनुसार दोस्तों चावल में तेल डालूंगी कि चावल आपस में चिपके का नहीं, और इसे चला लूंगी। रिफाइंड तेल मैंने इस चावल में डाली हूँ। चिकन के लिए दोस्तों मसाले मैं पीसने जा रही हूँ। अदरक, ये 2 लहसुन का बॉल, धनिया, जीरा, काली मिर्च, इन सारे मसालों को मैं अच्छी तरह पीस लूँगी। एक बार चावल को चला लूंगी दोस्तों। अभी मेरा चावल नहीं हुआ है, इसे फिर से ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। पीस चुकी हूँ, चिकन में डालूंगी। हल्दी 1 चम्मच डालूंगी। लाल मिर्च डालूंगी 2 चम्मच। चावल मेरा हो चुका है दोस्तों, इसका पानी मैं अलग कर लूंगी चावल से। मैं इसमें दोस्तों हल्दी पाउडर, मिर्च, लाल मिर्च पाउडर डाल चुकी हूँ। इसमें मीट मसाला पाउडर 1 चम्मच के अनुसार डालूंगी। उसके बाद बिरयानी मसाला, शाही बिरयानी मसाला 2 चम्मच के अनुसार डालूंगी। टमाटर मैंने 2 पीसी हूँ, इसको भी डालूंगी। और 1 नींबू का रस इसमें डालूंगी। चिकन में डालने के लिए दोस्तों 4 महीने आलू उबाल कर रखा हुआ हूँ, इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। सबसे पहले मैं कढ़ाई बैठा चुकी हूँ गैस पर, इसमें तेल डालूँगी। मैं रिफाइंड तेल डाल रही हूँ, रिफाइंड तेल में ही बनाऊँगी। तेल मेरा गर्म हो चुका है, इसमें आलू डालूँगी। कलर डालूंगी।
इससे आलू का कलर अच्छा आएगा। सर दो चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दी, इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। मिक्स कर चुकी हूँ दोस्तों, आधा घंटा के लिए इसे ढककर रख दूंगी। कुछ कलर डाली हूँ, इसका कलर अच्छा आएगा है। देखिए दोस्तों आलू मेरा फ्राई हो चुका है, मैं आलू निकाल चुकी हूँ तेल से, इसमें मैं इसी तेल में मैं प्याज को भी फ्राई करूँगी। देखिए दोस्तों प्याज मेरा लाल हो चुका है, अभी से मैं निकालूंगी, इसमें से आधा निकालूंगी और आधा इसी में छोड़ दूंगी। तेजपात डालूंगी और इसी प्याज में मैं चिकन को डालूंगी। चिकन को मैंने सारा डाल चुकी हूँ दोस्तों, मैं इसे पकाऊंगी, थोड़ी देर चलाने के बाद मैं इसे ढक दूंगी। अब मैं 20 मिनट तक ढक कर पकाऊंगी। 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, मैं इसे चढ़ा लूंगी। देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर इसका लग रहा है, इसे थोड़ी देर तक 10 मिनट तक और ढक कर पकाऊंगी। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छी बन रही है दोस्तों। और थोड़ी सी हरा धनिया का पत्ता मैं इसे मिक्स कर दूंगी। ढक दूंगी, 10 मिनट हो चुका है दोस्तों। देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है, देखकर मुंह में पानी आ जा रहा है, वाह क्या मज़ेदार बना। मैं इसे हो चुका है मेरा चिकन, अब इसे मैं बाहर इसे गैस का फ्लेम बंद करूंगी, मैं इसे बंद करूंगी। और चिकन मेरा तैयार हो चुका है, अब मैं गैस के फ्लेम बंद करूंगी दोस्तों, चावल में चिकन को मिक्स करूंगी। देखिए दोस्तों चावल मैं जा रही हूँ चावल लेयर लगाने। सबसे पहले मैं पतीले में चावल डालूंगी, फिर से मैं चिकन डालूंगी, चुकी हूँ आलू डालूंगी। आलू डाल चुकी हूँ, मैं काजू डालूंगी, फिर से प्याज डालूंगी, भुना हुआ प्याज। मैं थोड़ा सा जैफरन डाली थी दूध में, उसको भी डालूंगी, थोड़ा सा बचाऊंगी दोस्तों, ऊपर से डालूंगी, कलर डालूंगी। डालूंगी ऊपर से थोड़ा बचा रखी हूँ, तो ये चावल डालूंगी, बचा हुआ चावल ऊपर से डाल दूंगी।
देखिए दोस्तों, मैं केवड़ा डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब। फ्रूट कलर डाल रही हूँ। प्याज डाल रही हूँ। हरा धनिया का पत्ती डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा बिरयानी कितना अच्छा बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। इसमें जो मैंने रखा था जाफरान, दूध में बचा कर उसको ऊपर से फिर से डालूंगी। दम लगाने के लिए मैं इस ढककर अब मैं बिरयानी में दम लगाऊंगी। 10 मिनट के लिए दोस्तों मैं फुल फ्लेम करूंगी। 10 मिनट के बाद मैं हल्के आंच पर दम लगाऊंगी। उसके बाद दोस्तों मेरा बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने घी डालना मिस कर दिया था दोस्तों, मैं घी डाल रही हूँ ऊपर से, मैं वीडियो में मिस कर चुकी थी घी डालना। 2 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। दस मिनट हो चुका है दोस्तों, गैस का फ्लेम मैं कम करूंगी। इधर कम फ्लेम पर 7-8 मिनट तक और दम पर रखूंगी। तो मेरा बिरयानी में दम लग चुका है, मैं गैस का फ्लेम बंद करूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बिरयानी कैसा बना हुआ है। देखिए दोस्तों, बड़ा ही बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखकर। मैं आपको दिखाती हूँ निकाल कर। मैं सर्व कर रही हूँ, देखिए कितना यम्मी बना हुआ है। आप देखिए मेरा बिरयानी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। बहुत टेस्टी बना हुआ है। आपको मेरी बिरयानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बनाकर ज़रूर खाएं और बताएं कि कैसा बना हुआ है कमेंट में। थैंक यू।